हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार की ट्रेडिशनल सत्तू ड्रिंक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, सत्तू बिहार में तो इजीली अवेलेबल है। इसे हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। भूना सना लाएंगे, उसका छिलका हटा के हम मिक्सर जार में पीस के और छान लेंगे तो सत्तू तैयार हो जाता है। आजकल हर मार्केट में, हर शहर में सत्तू अवेलेबल है, आप उसे खरीद के ला सकते हैं। तो सत्तू को हमने एक नमकीन बनाया है, दूसरा हम छाछ के साथ बनाए हैं, और तीसरा ये स्वीट सत्तू ड्रिंक्स बनाए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप जल्दी में हैं और एक ग्लास सत्तू ड्रिंक्स बना के ले लिए तो आपको बहुत टाइम तक ये एनर्जी देता है। यहाँ पे आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, पर मैं ठंडे पानी से बना के आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम सत्तू ड्रिंक्स बनाना शुरू करते हैं। सत्तू ड्रिंक्स हम 3 तरह का बनाएंगे, तो उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है छाछ, पानी, शक्कर, प्याज, नींबू, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, फ्रेश पुदीने की पत्ती, सत्तू, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर, सफेद नमक, ब्लैक नमक। सबसे पहले हम मीठा सत्तू ड्रिंक्स बनाएंगे। तो हमने एक मिक्सिंग बॉल लिया है, उसमें हम डालेंगे 4 चम्मच सत्तू, 4 चम्मच शक्कर, क्योंकि हम 1 ग्लास सत्तू बनाने का माप आप लोगों को बता रहे हैं। आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो 1 चम्मच ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम पसंद है तो 1 चम्मच घटा सकते हैं, पर ये परफेक्ट माप है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच ब्लैक नमक और साथ में हम डालेंगे फ्रीज का ठंडा पानी। तो हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। हमें एक ये स्मूथ घोल बनाना है, लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और हमने शक्कर खड़ा डाला है तो इसे घुलने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपको जल्दी है तो पाउडर शुगर डाल दीजिए। सत्तू को हमने आधा ग्लास पानी में घोला है, अब हम इसको पतला करेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो या तो आप इसे चम्मच से खोलिए, या एक मथनी आती है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, या ये विक्स से खोलिए। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी बताते हैं, आप ध्यान से देखिए। इतनी ही पतली ट्रेडिशनल सत्तू की घोल तैयार की जाती है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो हम 1 ग्लास में आधा नींबू का रस डाल रहे हैं क्योंकि बड़ी साइज की नींबू है। अब छोटा ले रहे हैं तो पूरा डाल दीजिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से घोल लिया है, अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। तो हम एक ग्लास लेंगे और उसमें सत्तू के घोल को डाल देंगे। तो ये अपना मीठा सत्तू ड्रिंक्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसपे पुदीने की पत्ती डालेंगे। तो हम यहाँ 2 से 3 पुदीने की पत्ती को हाथ से ही छोटा छोटा तोड़ के डालेंगे, क्योंकि हाथ से तोड़ा हुआ पुदीने की पत्ती का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये अपनी ट्रेडिशनल तरीके से सत्तू का ड्रिंक्स तैयार हो गया। अब हम दूसरा ड्रिंक्स बना के बताएंगे। अब हम नमकीन सत्तू ड्रिंक्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में 4 चम्मच सत्तू डालेंगे।
अब हम सत्तू में नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1/4 चम्मच सफेद नमक डाल रहे हैं, आधा चम्मच हम ब्लैक नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे और आधा चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो सबसे पहले हम आधा ग्लास पानी डालेंगे, क्योंकि ये ड्रिंक्स हम एक एक ग्लास का माप करके बता रहे हैं। और ये जो मथनी होती है, दाल मथने वाली, ट्रेडिशनल तरीके से बिहार में इसी मथनी से घोट के सत्तू की ड्रिंक्स तैयार की जाती है। तो हम आपको घोट के बताते हैं। तो इसे हम सबसे पहले ऐसे अच्छे से घोलेंगे और हथेलियों से ऐसे हम गड़गड़ गड़गड़ करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बाकी का भी पानी डाल लेंगे आधा ग्लास और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया झाग भी बनता है और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच प्याज डाल रहे हैं। आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे मत डालिए। और 1 हरी मिर्च का हमने बारीक बारीक पीसेस काटा है, वो भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लास्ट डालेंगे नींबू का रस। तो ये बड़ी नींबू है, हमने आधा नींबू का रस इसमें डालना है। छोटी नींबू हो तो अब 1 नींबू का रस डाल दीजिए। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अपना नमकीन सत्तू ड्रिंक्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम एक ग्लास लेंगे और उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। सत्तू को हमने ट्रांसफर कर लिया। अब हम ये फ्रेश पुदीने की पत्ती को हाथ से तोड़ के, यानी कि जितना छोटा हो सके तोड़ तोड़ के हम इसमें डाल देंगे और स्पून से हम मिक्स कर देंगे। तो ये अपने नमकीन सत्तू ड्रिंक्स बनकर तैयार है। अब हम छाछ वाले सत्तू ड्रिंक्स बनाएंगे, यानी कि इसे मट्ठे वाले भी सत्तू ड्रिंक्स कहते हैं बिहार में। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें 1 ग्लास छाछ डालेंगे। छाछ में हम 4 चम्मच सत्तू डालेंगे। तो हमने 4 चम्मच सत्तू छाछ में डाल दिया। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हम ब्लैक नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कटा हुआ बारीक प्याज, 1/2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर वही दाल वाली मथनी यूज करेंगे। इससे मिक्स किया हुआ सत्तू बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देता है। तो हमने छाछ वाली ड्रिंक्स तैयार कर ली है। अब हम इसे भी ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। तो हम 1 ग्लास लेंगे और उसमें इसे ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट में हम इसमें पुदीने की पत्ती को तोड़ के डाल देंगे। तो ये फाइनली हमारी छाछ वाली सत्तू ड्रिंक्स तैयार हो गई है। बिहार का ट्रेडिशनल सत्तू ड्रिंक्स बनकर तैयार है। तो हमने सत्तू को 3 तरीके से बना के दिखाया है।
ये तीनों बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपको जो भी ड्रिंक्स पसंद आए उसे बनाइए और टेस्ट कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी और पेट को ठंडक देने वाला ड्रिंक्स होता है। समय की कमी हो और सुबह सुबह हम ड्रिंक्स बना के ले लें तो बहुत टाइम तक ये एनर्जी देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये ट्रेडिशनल सत्तू ड्रिंक्स की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।